हरदुंगला टॉप, क्या बात है। हमारी धनु जो है पंचर हो गई है। एक दो और वो वाला तीन, तीन डब्बे लोड करने भैया बाइक पे। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। बज रहे सुबह के 5:30। आज का हमारा प्लान रहेगा ले से हरदुंगला, और रूम के बाहर का जरा नजारा गौर फरमाएंगे। पहाड़ी लोड़े, दोनों को रात को ही लोड कर दिया था। रुद्रा की बाइक बाकी है और मामा जी का बाइक बाकी है बस। हेलो गाइस, माय नेम इज जिमी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिमीज व्लॉग। लेह लद्दाख सीरीज एपिसोड 12 में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल सेट जी, यहाँ पे ना पार्किंग का ही दिक्कत है बस। और हम लोगों ने ना कल ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया था, इमरजेंसी में अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी हरदुंगला में तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए बाबा। वे एडजस्ट ऐसा हुआ कि कल यहाँ पे होटल में एक गेस्ट डिनर कर रहे थे, हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात चल रही थी, हम लोग बात कर रहे थे तो उनके पास था सिलेंडर, उनको यूज नहीं हुआ तो ले लिया भैया उनसे। कल रात को 11 बजे जाके विशाल और मैं क्लच वायर लेके आए, क्योंकि रुद्रा को बोला था क्लच वायर ले लो भाई, लेकिन रुद्रा को मिला नहीं। ऑल सेट जय भोलेनाथ। ओए चल आज तुझे शेयर कराता हूँ हरदुंगला की। अबे ये कुत्ता देख, इसको गेट में पैक करके रखा था। चलो हम लोग निकल चुके हैं लेह से हरदुंगला के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज डेट है 8 जुलाई 2022। ओ थोड़ा सा ऊपर साइड आने के बाद बस ये आप लोग व्यू देखिए, जितनी भी थकान होती है ना मिट जाती है सब देखने के बाद। तो ये मतलब हमेशा होता है ऐसा, जगह रोजाना होता है। अच्छा तो यहाँ पे आपको देना है बाइक का RC और आपका ID कार्ड। तो दिन की शुरुआत हमारी काफी बढ़िया हुई है गाइस, और ये रोड है नुब्रा के लिए। हरदुंगला है यहाँ से 34 किलोमीटर। तो हम लोग जैसे जैसे अभी ऊपर साइड जा रहे हैं ना, ठंड काफ़ी बढ़ रही है और ये सामने का नज़ारा वैसे नज़र ही नहीं हटती। राइडिंग पे भी ध्यान देना है भाई, क्या व्यू है बॉस। तो ये है पुलिस चेक पोस्ट साउथ कुल्लू। ठंड इतना बढ़ चुका है ना यहाँ पे। परमिट और बाइक का डॉक्यूमेंट चेक होगा। ओ अभी आया इधर एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। ये पानी इतना ज्यादा ठंडा है ना, ग्लेशियर से पिघल कर आ रहा है। शायद जैसे जैसे आगे जाएंगे ना वैसे वाटर क्रॉसिंग बढ़ेंगी। ओ वो देखिए सामने कितना बड़ा स्नो माउंटेन है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना हम लोग, बहुत टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अभी बज रहे सिर्फ 8 सुबह के। लोंडा सैडलिंग कर रहा है, क्या बात है, क्या व्यू है मैन, मस्त एकदम। ठंड बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, 17 डिग्री टेम्परेचर इधर का भी, 17 डिग्री। लेकिन ये 17 डिग्री भी है ना ठंडी हवाओं की वजह से ज्यादा लगता है। ले भाई बस भाई बस, हाथ सुन हो गया, अभी दो तीन बार ही मैंने बर्फ उठाया सुन हो गया। तो फाइनली भाई वी आर हियर एट हरदुंगला टॉप। तो अपने धन्नो पे बहुत बंदे भाई यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं यार, मजा आ गया हरदुंगला टॉप, क्या बात है। इतनी ठंडी में गरम गरम मैगी, हमारी पहले ही एक एक प्लेट हो गई थी, लेकिन मजा इतना आ रहा है ना मैगी खाने में, और एक एक प्लेट हो जाए। अभी जहाँ पे हमने मैगी खाई है ना, ये वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे है हरदुंगला पास का, 18,318 फीट पे है। चलो बाय बाय हरदुंगला। हरदुंगला से निकल कर हम लोग अभी निकल रहे हैं नुब्रा की तरफ। यार देखिए गरम गरम पूरी भाजी बन रही थी, पता नहीं क्यों किस लिए, शायद यह काम करने वाले लोगों के लिए था। और ये देखिए साइड में पूरा बर्फ है।
ओहो बर्फ तो देखो, क्या बात है क्या बात है। तो भाई ये देखो बर्फ ही बर्फ। ओहो हो लोज में चला गया भाई। चलो 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 अभी थोड़ी देर में ना यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं नुब्रा। पता नहीं इधर से कितना किलोमीटर होगा क्योंकि कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं दिखा हमें अब तक। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना यहाँ पे पानी बढ़ रहा है तो ये एरिया हम लोग को जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे बाइक चलाने का अपना अलग ही स्वाद है गाइज। ये स्वाद चखना होगा तो इधर आना मांगता आप लोग। ये तो वीडियो देख के सिर्फ आंखें आप सेकेंगे बस। दिन सेकना है तो आ जाओ गाइज। क्या बात है ऊपर इतनी बर्फ है ना पूरा पिघल के आती है। और हाँ ऊपर खारदुंगला में हम लोग 1 से 1.5 घंटा रुके। किसी को भी एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं हुआ, किसी को भी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आई। सब लोंडे अपने चंगे थे चंगे। नमीकाला या फिर फोटुला के पास मुझे ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। हाँ हल्का सा हेडेक वगैरह हो रहा था ना मेरा, लेकिन यहाँ पे ना उसका 1% मतलब हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, जीरो, एकदम नॉर्मल थे हम सब लोग। खारदुंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास से नीचे उतरने के बाद हम रुके नॉर्थ कुल्लू में, जिधर अपन अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। उधर जो ऊपर मैगी खाया ना वो कौन से कोने में गया पता भी नहीं चला भाई। यहाँ पे जो ब्रेड ऑमलेट है ना, मजा आ गया। दो दो ब्रेड ऑमलेट हम लोगों ने पेट में दबाया। अभी हो रहा है इधर से जाने का टाइम। फोटो निकालेंगे ऐसा कब बोला था मैं, कब बोला था, कब मैं लायू था। एनी प्रूफ एनी एविडेंस? नहीं ब्रदर आप झूठ बोल रहे हो। आई एम सॉरी मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। यस आपके पास कोई प्रूफ है? बस चल लोंडे निकाल लेते फोटो चल, बाद में रोएगा बच्चे जैसा तू। इंटरकॉम चाहिए था तब मैं इसकी लेता। इंटरकॉम चाहिए था तब मैं इसकी लेता। और वो भी कह के लेता। अबे वो विशाल ही नहीं आया, किधर गया? विशाल को आने दो, ऐसे नहीं चलता भाई। अपन ग्रुप में आए तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। बहुत टाइम हो गया रुद्रा को वापस जाते हुए और हम लोग इधर पीछे ही रुके थे। ये दोनों वापस आए क्यों नहीं यार? ये विशाल है ना, मतलब पता नहीं जानबूझ के पीछे रह जाता है या क्या करता है यार। इसका 2-3 बार हुआ, 2-3 बार से ज़्यादा हुआ ये राइड में। ये देखो क्या चल रहा था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, उधर मेरे को तो नहीं करना पड़ा। मतलब तूने जिम्मेदारी उठाई पूरे ग्रुप की। हाँ वाह, वो देख कैसे भागा, देख वहां पे जो पोस्ट था ना कुछ तो भी, वहां पे ना 22 का नंबर वगैरह देना पड़ा तो विशाल ने दिया, इसलिए उधर उसको टाइम लगा और हम बंदे को बदनाम कर रहे थे। बदनाम वैसे भी ये बदनामी है, कोई दिक्कत नहीं, ये एडवांस से बदनामी समझ लो जी। इधर से पता नहीं आगे को रास्ता कैसा होगा क्योंकि इधर चल रहा है रास्ते का काम। शायद पूरा रोड ऐसा ही है। हाँ भैया पूरा रोड ऐसा ही है। अपना धन्नो है ना, सबसे बड़ा अट्रैक्शन था खारदुंगला पे। इतने बंदों ने फोटोज दिखा लेना R15 पे, क्या बोलू भाई। मतलब वो लोग को बिलीव नहीं हो रहा था कि बंदा R15 लेके वो भी इतना लोड करके महाराष्ट्र से 2500 किलोमीटर प्लस खारदुंगला आ सकता है। तो अपनी ये जो बाइक है ना ये अभी सेलिब्रिटी बन चुकी है। हाय हाय मजे। ओए कैसा लग रहा है ऑफरोड करते हुए R15 पे, बता जरा पब्लिक को। मजा आ रहा है मेरे भाई। हाँ मेरी जान।
मैंने ना पेट्रोल वाला अपडेट दिया ही नहीं आप लोग को, तो कल का व्लॉग खत्म करने के बाद हम लोग रात को ही ना पेट्रोल डलवाने गए, तो मेरे बाइक में बैठा है 680 रुपए का पेट्रोल जो कि हमने टंकी फुल करवाया था, फुल में उतना ही बैठा, बाकी का पेट्रोल अपने पास पहले ही था, तो बाकी सब बढ़िया है, ऑफ रोडिंग चल रहा है। अबे अबे जा अबे तू तेरे को मालेगांव से देख रहा है, तू पीछे पीछे आ रहा है। तो अभी जो है ना हम थोड़ा सा नीचे आए हैं, तो अभी गर्म होने लगा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। 11,000 या 12,000 फीट पे होंगे अभी हम लोग। ये जो बंदर रास्ते के अंदर जब ये अच्छे रास्ते लगते ना तो बाइक भगाने का अपना अलग ही अंदाज और मज़ा होता है यार। बाइकर्स के लिए तो जन्नत है रस्ते, जन्नत। ओ इतने भयंकर से बंजर से बियाबान में हमारी धन्नू जो है पंचर हो गई है। रुको रुको देखते रुको। तो इलेक्ट्रॉनिक पंप छोड़ के हम मैनुअल पंप पे आ गए हैं क्योंकि ये ज्यादा फास्ट होता है। स्टेफनी, हाय हाय स्टेफनी, ऐसे कैसे पंचर किया तू बाइक? ऑफ रोडिंग कितने हुए भाई? ऑफ रोडिंग में मेरे को डाउट था, या ऑफ रोडिंग में 25 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग पंचर यहाँ पे निकाल लिया गया है। मामा धन्यवाद, मामा मामा धन्यवाद, कई बांधा नहीं मामा, सगास खराब चली थी। ट्यूबलेस टायर का बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा, और ऐसी जगह पे तो भी बहुत ज्यादा। एक छोटा सा पंप और पंचर किट बस, पानी नहीं मिला तो एक नंबर से काम चला सकते हैं पंचर चेक करने के लिए। सिर्फ कुछ तो भी लिक्विड चाहिए बस। इतने शार्प टर्न्स है ना इस जगह पे, ये देखिए, और हर जगह पे ऐसे बबल मिरर लगाए गए हैं। तो भाई चलते चलते कुछ ऐसी जगह पे पहुंच गए हम लोग। देखिए यार क्या लोकेशन है, और इस साइड में पूरा सैंड का पहाड़, ये पूरी सैंड है। तो हमको जाना है नूबरा वैली, हम इधर से ये रॉन्ग टर्न ले लिया, लेकिन ये रॉन्ग टर्न के साइड का जो व्यू है ना आप लोग को दिखाया, अभी हम लोग को जाना है वो वाले रोड से। इधर तो नूबरा का नाम निशान ही नहीं है। हाँ 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 नूबरा था, नूबरा था, इधर साइड से ही है। क्या व्यू है बॉस, और ये एक रैंडम राइडर साइडिंग करते हुए और व्यू ब्लॉक करते हुए, लेकिन आप इग्नोर कीजिए और व्यू का मजा लीजिए। आगे पेट्रोल पंप पे, अबे जरूरत नहीं है, बहुत पेट्रोल है अपने पास। तो मेरे राइट साइड में है आर्मी का बहुत बड़ा कैंप, सियाचिन वॉरियर्स, लेकिन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और ड्रोन अलाउड नहीं है, सो मैं उधर को आप लोग को दिखा नहीं सकता। उधर वाली बात सुनिए और इधर वाला व्यू देखिए, बस बढ़िया है बाकी सब। ये देखो सियाचिन वॉरियर्स। तो ये देखो जी रिवर राफ्टिंग, इसकी जो बुकिंग है ना वो नूबरा को होती है। अगर हमारा बुकिंग हो गया तो भैया मजे लिए जाएंगे, मजे मजे लिए जाएंगे। तो यहाँ पे पेट्रोल डालेंगे अपन। ये वाला ही रास्ता है नूबरा का। ओहो, तो हम अभी थोड़े से छोटे से रास्ते पे आ गए हैं, और इधर से भी व्यू, मतलब लद्दाख में हर जगह से आपको व्यू ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि किधर से आपको व्यू ही ना मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। लद्दाख है ये, यहाँ से हर जगह से हर कोने से आपको एक नंबर व्यू मिलेगा। यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा ना, तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। अभी हमने पीछे पूछा कि नूबरा वैली, तो हम जिस जगह पे है ना अभी वही नूबरा वैली है भैया, वही नूबरा वैली है। हमारा प्लान ऐसे हुआ है कि अभी बज रहे हैं 2:33,
हम लोग होटल पे जाएंगे नुब्रा में, वहाँ पे सब सामान वगैरह रख देंगे और वापस इधर आके थोड़ी सी मज्जा करेंगे। ₹150 लेगा, ₹1 भी लेगा। चाय वाय लेके इधर से निकलेंगे हम। ओ दंडों को इधर ही छोड़ के जा रहे, अभी अपन जाएंगे नुब्रा वैली। जो भी नुब्रा वैली में एडवेंचर होता है वो सब करेंगे, मतलब जो जो पॉसिबल होगा वो सब करेंगे। ये है पूरा नुब्रा वैली। पानी भरता होगा शायद कभी, पता नहीं। वो नज़ारा देखो बस, क्या मस्त है यार। ये पूरा वाइट डेजर्ट है और वहाँ पे कुछ ग्रीन एरिया, और ये सामने एक वैली है और इसके जस्ट बगल में एक और वैली है। करेंगे एडीवी राइड। ओ भाई एडीवी चलाने के मजे।